हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। माय सेल्फ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। जैसे कि स्टूडेंट आप सभी को पता है, एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन कल ही हुआ है और इसका जो है सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसका डिटेल सॉल्यूशन लेकर आप सभी के साथ जुड़ी हूँ। सो यह सेशन में हम पर्टिकुलर सेकेंड जो शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर हुआ है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, पहला ही सवाल इस शिफ्ट में डीआई का दिया हुआ है ना। तो डीआई का प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें जो है ना, यूरोप में रोगियों की संख्या प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष पश्चात यूरोप में रोगियों की संख्या 2030 में अमेरिका में वृद्ध रोगियों की संख्या के बीच अंतर कितना है। तो यह आपको दिया था पहला सवाल, है ना। तो इसमें ऑप्शन 8 लाख है, 9 लाख है, 7 लाख है एवं 5 लाख है। तो वेरी करेक्ट, 8 लाख, ओके। यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में वृद्ध रोगियों की संख्या विश्व हृदय रोगियों की संख्या का लगभग है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से सेकेंड 6.82% वेरी करेक्ट आंसर रहेगा। थर्ड देखिए, अफ्रीका में रोगियों की संख्या का एशिया और उत्तरी अमेरिका में मिलाकर वहां के वृद्ध रोगियों की संख्या के साथ अनुपात कितना है। तो यह अनुपात हमें देखने को मिलता है 15:21, ओके। सो फोर्थ इसका करेक्ट है। क्वेश्चन फोर है कि यदि विश्व में यकृत शोध रोगियों की संख्या 6% और हृदय रोगियों की संख्या जो है 22% हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जूम कर देती हूँ, तो इसका वेरी करेक्ट आंसर फोर्थ हमारा जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है 159, है ना, बटा इसमें जो है अनुपात जो है 671। नेक्स्ट है फिफ्थ क्रमांक का, यदि दक्षिणी अमेरिका वृक्क रोगियों की संख्या 25% है, तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, 4%, 8%, 10% एंड 5%, ओके। सो वेरी करेक्ट है डी, वेरी करेक्ट है यहाँ पर फिफ्थ का सी, है ना। यहाँ पर 10% हमें देखने को मिलता है। इसका बात का जो है ना संचार एवं उसके रूप, यह प्रश्न बहुत इजी है ना। वैयक्तिक संबोधन, सामाजिक किसको कहेंगे, आख्यान, मौन, है ना, बहुत ही इजी प्रश्न है यह। तो इसका देखिए, अगर आपको इसमें से एक भी पता है जिसे वैयक्तिक संबोधन, है ना, तो यह आंतरिक हो जाता है, इसलिए देखिए एक का सी है, तो इसका अर्थ वेरी करेक्ट आंसर 6 का हो जाता है सी। सेवेंथ नंबर का प्रश्न है और यहाँ पे जो आपको जो है ना कंप्यूटर के आउटपुट युक्तियों के बारे में पूछा गया है सेवेंथ क्रमांक के प्रश्न में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर वेरी करेक्ट डी है, बी एवं डी जो है ना प्लॉटर जो है वेरी करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट वन है कि यहाँ पे आपको जो है ना कंप्यूटर मेमोरी के बारे में कौन सा सही है पूछा है, तो क्वेश्चन क्रमांक 8 का ए वेरी करेक्ट आंसर हो जाता है। नाइन्थ क्रमांक का प्रश्न मैकेले की यूनिट से है, इट मीन्स हायर एजुकेशन से रिलेटेड प्रश्न है। तो हायर एजुकेशन की देखिए, इन्होंने उपयोगितावादी विचारों से संबंधित प्रभावित किया है, ऐसा सी में कह रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अधोगामी निष्पदन का सिद्धांत दिया है, इसलिए ये दोनों कट कर दीजिएगा, सी और डी अगर स्किप कर लेंगे हम तो हमारा करेक्ट आंसर ए आ जाएगा, ए और बी, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है नाइन्थ का ए। 10 क्रमांक का प्रश्न है और इसमें जो है ना जनसंचार की विशिष्टता माने की विशेषता क्या होती है, इस प्रश्न में आपको पूछा है, ठीक है। तो इसमें जो है ना वेरी करेक्ट आंसर हम देखते हैं, ओके। सो इसमें जो है वेरी करेक्ट आंसर आपका फोर्थ आ जाएगा, बी डी और ई, है ना, दसवें का डी। देन 11th है, इसमें आपको पूछा गया है प्रश्न में कि स्वयं पर आयोजित 4 चतुर्थांश सूची इसमें से कौन सी है, ठीक है। तो यह जो आपका 11th नंबर का सवाल है, इसमें आप देखते हो कि स्व मूल्यांकन परीक्षण है, वीडियो व्याख्यान है, ठीक है, डाउट क्लियरिंग है ना। इसमें जो है ना हम देखते हैं कि सामग्री मुद्रित किया जाता है, लेकिन इसमें आमने सामने वार्ता नहीं होती, इसलिए ई को कट कर दीजिएगा, इसका अर्थ आपका जो है ना बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। 12वें क्रमांक का जो प्रश्न है, यहाँ पर थोड़ा आपको जो है ना क्लियर नहीं है, लेकिन इसका वेरी करेक्ट आंसर बी और सी है। नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलता है 13वें क्रमांक का प्रश्न जो है,
इसमें जो है ना आपको सकल पंजीकरण अनुपात पूछा गया है, तो इसका वेरी करेक्ट आंसर ऑप्शन क्रमांक सी हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आपको जो है ना राष्ट्रीय समन्वयक पूछा है, ठीक है, स्वयं के कोऑर्डिनेटर, और रिसेंटली आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो है इसमें भी बताया था, साथ ही साथ जो सेशन लिए गए थे उसमें भी आपको इसके बारे में डिटेल से अध्ययन कराया था, है ना। तो हम देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर, देखिए इसमें जो है ना पहला IIMB जो है यह करेक्ट हो जाता है ना। हाँ, तो यह 14वें क्रमांक का प्रश्न है। इसके बाद हम देखते हैं, ओके, सो इसके बाद देखते हैं कि इसके बाद जो है ना NPTEL है ना यह भी है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि NIOS है ना, ऑब्वियसली यह भी है। इसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन क्रमांक डी है ना, इसमें क्या दिया है, बी TTE दिया है, ठीक है। तो यह जो है ना ब्लैक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन यह नहीं है, लेकिन लास्ट है, इसका अर्थ है इसको स्किप कर दीजिए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 14 का डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है ना, तो इसमें परिपक्व खतरा है ना, शयन खतरा, इतिहास खतरा एवं परीक्षण खतरा है, ठीक है। तो अगर आपको इसका एक भी पता है तो आप इसको बहुत अच्छे से क्या कर पाओगे, आंसर कर पाओगे। तो 15 का वेरी करेक्ट आंसर हो जाता है बी, है ना, 15 का क्या हो जाता है, बी। नेक्स्ट वन देखिए, 16 का क्वेश्चन देखिए, 16 का, ठीक है। तो ये जो है ना हायर एजुकेशन से रिलेटेड और एक प्रश्न आपको देखने को मिला है, तो इसमें जो है ना उस्मानिया है विद्या विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है ना। इसके बाद SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी है, नागपुर यूनिवर्सिटी एंड पटना, है ना। तो इसमें हम क्या देखते हैं, वेरी करेक्ट आंसर जो है ना आपका बी हो जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं यह जो SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी है उसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। नेक्स्ट वन, इसमें जो है ना निम्नलिखित बढ़ते गुणार्थ के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ऐसा प्रश्न आपको दिया हुआ है ना। तो इसमें जो है ना वेरी करेक्ट आपका आ जाएगा, पहले पशु आएगा, फिर घरेलू पशु हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो है ना भार ढोने वाले, और लास्ट में घोड़ा आ जाएगा, तो सी। नेक्स्ट है 18 क्रमांक का प्रश्न, और सतत विकास लक्ष्य से संबंधित, इसको क्रोनोलॉजिकल आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिए 18 क्रमांक का जो सवाल है, इसका वेरी करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाता है, ठीक है। चलिए 19 सवाल की पे बढ़ते हैं, ठीक है। शोध निबंध में सही क्रम व्यवस्थित करना है, तो शोध प्रबंध में सबसे पहले साहित्य की समीक्षा हम करेंगे, तो डी देखिएगा कि कहाँ कहाँ आपको मिल रहा है, ठीक है। तो डी देखिए, सबसे पहले ऑप्शन क्रमांक सी में आपको दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो 20 क्रमांक का है, इसमें जो है ना पूछा गया प्रश्न है UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कर्सोनेटर के बारे में, मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था, है ना। तो ई शोध सिंधु इसका वेरी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है कि इसमें पूछा गया है आपको सैम्पलिंग अप्रोच, है ना, तो इसमें आपको जो है ना समूह क्लस्टर सैम्पलिंग इज अ वेरी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट जो है मैथ से रिलेटेड प्रश्न आपको पूछा गया है, ठीक है। तो 22 क्रमांक का जो प्रश्न है, इसका 3:2:3:5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्वर संधि है ना, ऐसे देशों के मध्य की गई संधि है ना, जो किसमें है, कर्क एवं मकर रेखा के बीच में अवस्थित है। इसमें देखिए पूना कॉलेज ऑफ लर्निंग पूछा गया है, हिंदू कॉलेज है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर पूना कॉलेज जो है ना एम एल्फिस्टन है ना, हिंदू कॉलेज हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय, बिशन कॉलेज हम देखते हैं कि यह जो आ जाएगा इंग्लैंड का चर्च है ना, स्कॉटिश मिशनरी कॉलेज कोलकाता, यह अलेक्जेंडर टफ है, तो यह इसका एक का अगर आप देख रहे हो कि 2 आ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक बी योग्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पे आपको सूचियों का मिलान करना है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल दी है और इंटरनेट की एक्टिविटीज आपको बतानी है, ठीक है। HTTP है ना, अगर आपको पहला भी अगर पता है, तो देखिए पहला जो है ना इसका हो जाएगा इंटरनेट पर फाइलों का अंतरिक्ष, तो यहाँ पर आपको कहाँ यह ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो यह जो हो जाता है STP है ना, पैकेट वेब सर्वर को प्रेषित करता है, तो 1 का 3 होना चाहिए, देखिएगा कि यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ऑप्शन क्रमांक किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है कि इसमें आपको जो है ना मैथ रिलेटेड पूछा गया है, ठीक है। तो इसको जो है ना आपको नंबर सिस्टम आइडेंटिफाई करेक्ट करना है, ठीक है। तो इसमें वेरी करेक्ट 26 का हमें देखने को मिलता है कि वेरी करेक्ट आंसर हो जाता है ई। 27 देखिए, यह भारतीय शास्त्रीय न्याय मत से रिलेटेड है। 27 क्रमांक का जो आपका प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं बी, और देखिए बी माने कि न्याय वाक्य में 5 प्रतिप्राप्तियां होती हैं और साथ ही साथ न्याय वाक्य में 3 पद होते हैं। तो बी और सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ओके, तो इसमें शब्द दिए हैं और समान नियम वाले कोड दिए हैं, ठीक है। तो यह आपको सॉल्व करना है। ओके हाँ, तो यह 28 क्रमांक का डी इसका वेरी करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 29 क्रमांक की तरफ। इसमें गणित से संबंधित समस्याओं पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ है ना, यह लीलावती वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक कम समय में अस्तित्ववान पर एक अस्थिर वायु प्रदूषक है, ठीक है। तो 30 क्रमांक का सवाल जो है ना पार्श्विक कार्बनिक यौगिक माने कि बी है, ठीक है। तो साथ ही साथ इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़ने के लिए पेपर वन के लिए नई बैच स्टार्ट हो रही है। कंप्लीट पेपर वन की नई बैच हम 1 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको जो है इसमें देखिए डेली बेसिस पर लाइव वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिलेंगे, फुल सिलेबस नोट्स है, साथ ही साथ आपको क्लास की पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएंगी, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है आपके प्रैक्टिस के लिए, 5,000+ एमसीक्यूज की क्वेश्चन बैंक है। सेशन जो रहेंगे हिंदी एवं इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपके लिए अवेलेबल है। डेली आपके लाइव क्लासेस होंगे और नई बैच जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 जुलाई से। सो इस बैच को ज्वाइन कीजिए, है ना। ज्वाइनिंग की फीस 3,000 है, 20% डिस्काउंट मिलेगा और मात्र 2,400 रुपये में यह कंप्लीट कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। या फिर आप प्ले स्टोर से ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके देखिए, यहाँ सर्च बॉक्स जब आप ऐप ओपन करोगे सर्च बॉक्स से सर्च कर लेना, यहाँ पर यूजीसी नेट का कोर्स है, ठीक है। यहाँ से आप फ्री डेमो वीडियो लेक्चर्स जो है देख सकते हो, है ना। तो ज़रूर से देखिएगा, इसके टेस्ट भी अवेलेबल है फ्री, है ना। तो उसको भी ज़रूर देखना है जिससे कि आने वाली एग्जामिनेशन में आपको हेल्प होगा। ओके, तो 31 क्रमांक के प्रश्न के ओर बढ़ जाते हैं। 31 में जो है ना इसमें कोई भी बिल्ली गैर विडाल नहीं है ऐसा पूछा है, समतुल्य है, ठीक है। तो 13(1) का जो वेरी करेक्ट आंसर आ जाता है सी हो जाएगा, सभी बिल्लियां विडाल है। 32 देखिए, है ना, हाँ, तरुण हत्या का दोषी नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तरुण किसी को मार सके। तो यह क्या है, आत्माश्रय दोष है, तो सी आ जाएगा इसका करेक्ट। 33 क्रमांक का देखिए, आत्मनियंत्रित अधिगम चक्र का सही अनुक्रम की पहचान कीजिएगा, है ना। तो ऐसा यहाँ पर प्रश्न 33 क्रमांक का दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले कार्य विश्लेषण आ जाएगा। तो अगर यह आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में यह ऑप्शन दिख रहा है, तो 33 का हो जाएगा ECBAD। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, मेरा विश्वास है कि मैं कक्षा में अच्छा करूंगा, है ना। तो यह एक प्रकार का 34 क्रमांक का प्रश्न जो है ना उच्च आत्मसम्मान के बारे में बता रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 देखिए, 35 क्रमांक का, मापन की निम्न मापियों की पहचान कीजिए जिसमें प्रेषणों को श्रेणीकरण किया जा सके, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, ओके, तो नॉमिनल स्केल में जो है ना नहीं मापा जाता है ना, इसलिए यहाँ पर जो है ना बी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके ओके, 34, हाँ, 34 का क्रमबद्ध अंतराल एवं डी, ठीक है, वेरी करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा है, ठीक है। 36 क्रमांक का यह प्रश्न है और इसमें हम देखते हैं सत्य और असत्यता वैश्विक प्रतिज्ञान ज्ञाप्तियों के गुण है, साथ ही साथ हम देखते हैं 36 में, ओके, वैधता कभी भी स्वयं किसी एकल प्रतीक ज्ञाप्ति के प्रयुक्त नहीं की जा सकती, और साथ ही साथ डी है इसका, ठीक है। तो ए इसका वेरी करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, अरेंज करना है, ठीक है, इनको, तो इसका वेरी करेक्ट आंसर 37 का आ जाता है बी। ओके, नेक्स्ट 38 क्रमांक का प्रश्न है, तो इसमें जो है ना वर्ष 1945 के आसपास
स्पोर्ट प्रोग्राम कंप्यूटर का विचार किसने विकसित किया था, है ना? तो यह हमें देखने को मिलता है जॉन वॉन न्यूमान, है ना? तो डी आ जाएगा इसका। 39 क्रमांक का प्रश्न है ना? तो इसमें जो है ना आपको स्वर तापीय ऊर्जा संचायक के बारे में पूछा गया है, तो इसमें वेरी करेक्ट आंसर आपका ए बी सी डी और डी आ जाएगा, ऑल, है ना? चलिए, तो नेक्स्ट है 40 क्रमांक का प्रश्न, है ना? तो इसमें जो है वर्णमाला लेखन के संचार स्पर्श रहित संस्कृत निम्न में से किस संस्कृति के रूप में ज्ञात है? तो यह जो है ना प्राथमिक मौखिकता, क्योंकि यहाँ पे लिखित लेखन के बारे में पूछा है, तो इन सभी में हम लिखते ही है, लेकिन इसमें नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया हुआ है कि 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर सेकंड गति से चलती है, ठीक है? तो इसके एक प्रकार से यह आपको मैथ से रिलेटेड 41 क्रमांक का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर है 500 मीटर, डी। 42 क्रमांक का प्रश्न है, कक्षा प्रौद्योगिकी के प्रयोग में निम्न में से किस किस हेतु स्पष्टता की आवश्यकता होती है ना? तो यहाँ पर हम देखते हैं 42 क्रमांक का प्रश्न जो है, इसमें अनुदेशन संदेश होना चाहिए, पाठ्यक्रम का उद्देश्य होना चाहिए, है ना? प्रौद्योगिकी क्षमता, विफलता के अनुभव ना हो, ठीक है? संस्थागत अकर्मठता भी ना हो, तो इसलिए ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है 43 क्रमांक का, आपकी रुचि वाले चरों से इतर बाह्य चरों को सुव्यवस्थित निरसन निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह 43 क्रमांक का वेरी करेक्ट है, प्रायोगिक, है ना? हाँ, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट आपको वाटर डिसीज दिए है और उसके एग्जाम्पल दिए है, ठीक है? तो 44 क्रमांक का हम देखते हैं, ओके, तो इसका वेरी करेक्ट आंसर बी है, ठीक है? हाँ, वेरी करेक्ट आंसर क्या है, डिजीज का बी है। तो देखिए, जल जनित बीमारी जो होती है, इसमें हम देखते हैं सिट्रोसोमियस जो है ना, जैसे टाइफाइड हो गया, पानी से होता है, इसलिए ए का सी आ जाएगा, ठीक है? चलिए, तो इसका वेरी करेक्ट आंसर 44 का रहेगा बी। 45 देखिए, है ना? 45 बौद्ध विचारधारा में आत्मचिंतन निम्न में से किस प्रक्रिया को संदिहित है, ठीक है? तो यह धार्मिक परिवर्तन से रिलेटेड है, ठीक है? तो यह जो पैराग्राफ है, इसके क्वेश्चंस आंसर मैं आपको जो है ग्रुप में प्रोवाइड कराती हूँ, तो साथ ही साथ इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ भी आपको यह पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किया जाएगा। सेकेंडली, आपको जो है ग्लोबल ऑनलाइन से प्ले स्टोर से ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना है और इसी प्रकार से सेशन को देखते रहना है। थैंक यू सो मच।